अभी तक हमने बात की कि गूगल अपनी सर्च में इनोवेशन कैसे लाता है नई चीज़ें कैसे डिसाइड करता है अपने एल्गोरिथम को अपडेट कैसे करता है टीम कैसे डिसाइड करती है कौन से नए फीचर्स आएंगे कौन से नहीं आएंगे लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझना ज़रूरी है कि गूगल क्यों बेहतरीन सर्च इंजन है वो सर्च इंजन बेहतरीन होने की एक वजह यह भी है कि गूगल आपको हर वक्त आपकी इन्वामेंट के मुताबिक या आपके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आपको रिजल्ट दिखाता है कॉन्टेक्स्ट का मतलब आप समझ लें कि इसको उर्दू में सयाको सबाक कहते हैं कि आप किस वक्त क्या चाह रहे हैं वो बदल सकता है सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप घर में बैठ के बिरयानी सर्च करें तो गूगल को लगेगा शायद आपने बिरयानी खानी है या आपने बिरयानी बनानी है तो आपको वो क्या दिखाएगा वो गूगल उस वक्त डिसाइड करेगा कि आप कहाँ हैं अगर आप रोज़ाना सुबह उठ के पकाने से पहले अपनी रेसिपी सर्च करते हैं तो गूगल आपको कदरे इमकान है कि आपको वो रेसिपी पहले दिखाएगा और बाकी चीज़ें बाद में दिखाएगा वो रेसिपी के लिए आपको वीडियो भी दिखा सकता है वो आपको उसके कुछ स्टेप्स भी दिखा सकता है वो आपको मुख्तिक तरीक़ों से कोशिश करेगा कि आपको उस वक्त रिज़ल्ट आपकी मर्ज़ी के मुताबिक मिल जाए सो जब आप मार्केट में खड़े हैं तो उस वक्त जब गूगल आपको दिखाएगा कि वो बिरयानी के अगेंस्ट रेस्टोरेंट क्या हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा रे, रेलिवेंट जवाब होगा ना कि, कि आपको उस वक्त रेसिपी दिखाए जो कि बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगी आपको उस वक्त बिल्कुल भी बिरयानी नहीं बनानी आपको कहीं चल के जाना है और आपको वहाँ जाके खाना है सो so, ये चीज़ें गूगल कैसे डिसाइड करता है ये कॉन्टेक्स्ट कैसे क्रिएट होता है ये सियाको सबाक कैसे गूगल समझ सकता है और ये गूगल ही क्यों समझ सकता है ये बाकी सर्च इंजन क्यों नहीं समझ सकते ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर तो so, गूगल ने इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि वो कैसे कैसे आपको ट्रैक करेगा गूगल ने बेशुमार प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रखी हैं इसको गूगल का इकोसिस्टम भी कह सकते हैं और अगेन गूगल का मेन बिजनेस जो सर्च है लेकिन गूगल अपना बिज़नेस लॉन्च नए बिजनेस लॉन्च करता चला जा रहा है जहाँ पर वो आपको मज़ीद से मज़ीद प्रोडक्ट्स देता है लेकिन उसके पीछे जो उसकी जो मेन एक्टिविटी है जो मेन मकसद है गूगल का वो ये कि वो आपको हर जगह से ट्रैक भी करना चाहता है तो ये कैसे वो करता है गूगल ने इसके लिए मुख्तु प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जिसमें अगर आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो गूगल आपको ट्रैक कर रहा है कि आप उसमें क्या सर्च करते हैं क्या ओपन करते हैं कौन सी वेबसाइट में कितनी देर रहते हैं कौन सी वेबसाइट आप छोड़ जाते हैं कौन सी वेबसाइट को आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में कौन सी पे जाते हैं तो ये सारी चीजें गूगल अपने क्रोम ब्राउजर से ट्रैक कर सकता है बिंग आपको ये चीज कर सकता है क्योंकि बिंग माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है और माइक्रोसॉफ्ट का अपना ब्राउजर है इंटरनेट स्प्लोर और नया ब्राउजर आ गया उसका माइक्रोसॉफ्ट एच के नाम से तो माइक्रोसॉफ्ट भी ये चीजें कर सकता है लेकिन आ, याहू के पास ये अपर्चुनिटी नहीं है या किसी और सर्च इंजन के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि ए ओ याहू या दूसरे सर्च इंजन इनके पास ब्राउज़र्स नहीं है तो गूगल और बिंग ये आपको ट्रैक कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और वो डेटा अपने इंजन को बेहतर बनाने के लिए वो यूज़ करते हैं वो मज़ीद से मज़ीद आपके हैबिट्स को आपके पैटर्न ट्रैक करके वो आपकी जो भी आदात हैं उनकी बेस पर फार्मूले लगा कर प्रोग्राम में अपने फीड करते हैं ताकि आपको मज़ीद बेहतर से बेहतर रिजल्ट वो दे सकें इसी तरह से गूगल आपकी हिस्ट्री भी ट्रैक करता है सो तो जब आप गूगल पर सर्च कर रहे हैं और आप लॉग इन नहीं हैं तो गूगल को ये नहीं पता कि आप कौन हैं उसको ये तो पता है कि आपकी डिवाइस यूज़ हो रही है और आप डिवाइस पे बार बार आ रहे हैं लेकिन वो अगर आप अपनी डिवाइस में लॉग इन कर लें तो वो लॉग इन करने से क्या होगा कि आपकी हिस्ट्री ट्रैक होना शुरू हो जाएगी वो हिस्ट्री से आपको बेनिफिट क्या होगा कि यही हिस्ट्री फिर आपके मोबाइल में और आपके डिफ्रेंस कंप्यूटर में भी ट्रैक होगी सो होता ये है कि अगर आप एक जगह सर्च करते हैं तो फिर आप नेक्स्ट दूसरे सिस्टम पर जाएँ तो आप मज़ीद वो हिस्ट्री चूँकि आपके साथ चलती है वो आप वहाँ से भी वो चल के अपनी हिस्ट्री निकाल सकते हैं कि आपने क्या सर्च किया और गूगल को ये समझ आ जाती है कि ये वही बंदा है जो पहले घर से ये चीज़ सर्च कर रहा था अब ऑफ़िस जाके ये चीज़ सर्च कर रहा है और तो वो उसको कैसे कंटिन्यू करना है और उसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो कैसे उसको बेहतर बनाएगा तो ये हिस्ट्री भी गूगल ट्रैक करता है लेकिन ना ये एल ना याहू ना बैंक के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो आपकी हिस्ट्री ट्रैक कर सकें शायद बिंक के अंदर ये हो लेकिन अभी तक उन्होंने इसको प्रॉपरली प्रमोट नहीं किया इसके बाद गूगल क्या करता है गूगल वेबसाइट ऑनर्स को जो वेबसाइट के मालकान हैं जो अपनी वेबसाइट लॉन्च करते हैं उनको गूगल एक फ्री टूल देता है जिसका नाम है गूगल एनालिटिक्स तो ये गूगल एनालिटिक्स करता क्या है ये हर वेबसाइट मालिक को ये बताता है कि आपकी वेबसाइट पे कौन आ रहा है कहाँ से आ रहा है कितने बजे आया क्या किया के कौन कौन से पेजेस देखे कौन से पेजेस में कितना टाइम स्पेंड किया और कौन सा पेज से वो वेबसाइट छोड़ गया अब ये डेटा हर वेबसाइट मालिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने जब वेबसाइट के पेजेस बनवाए उसको ये मालूम करना है कि कौन सी वेबसाइट के कौन से पेज पर लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और वो क्या उन पेजेस को देख रहे हैं जिन पेजेस से उनको सेल्स होंगी या वो उन पेजेस को देख रहे हैं जिन पेजेस को उनको ज़रूरत ही नहीं है तो ये सारा डेटा गूगल लोगों को देता है कि आप अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाएं इस डेटा को लेकर लेकिन एट द सेम टाइम उसी वक्त गूगल भी वो डेटा रिकॉर्ड कर रहा होता है तो आप कब भी इमकान है कि आप किसी भी वेबसाइट में चले जाएँ उसमें गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल्ड है और बजाय इसके कि आप लॉग इन करें अपने अकाउंट में या ना करें आप गूगल को पता हो आप हैं कि नहीं हैं आप क्या कर रहे हैं गूगल को यह जरूर पता है कि आप कौन कौन सी वेबसाइट विजिट हो रही है और वो कौन कौन सी वेबसाइट पर जाके आप क्या क्या करते हैं क्योंकि ये सारा डेटा गूगल अपने इंजन में फीड करता है और इसके बाद वो इसी बेस पर नई चीज़ें लॉन्च करता है इसी तरह से अगर आप देखें गूगल uh, मैप्स आपने कभी सुना है कि गूगल मैप्स के अलावा भी कोई मैप्स की प्रोडक्ट है या आपने कितनी मैप्स की प्रोडक्ट सुनी है कभी नहीं सुना होगा कि बिंग्स के मैप्स हैं या कभी नहीं सुना होगा याहू के मैप्स भी हैं या किसी और के मैप्स भी हैं इनके मैप एग्जिस्ट करते हैं यहाँ तक कि ऐपल के भी मैप्स हैं लेकिन एप्पल का सर्च इंजन नहीं है सो तो एप्पल के बाद मैप्स का डेटा होगा लेकिन वो सर्च इंजन नहीं है तो वो डेटा यूज़ वहाँ पर नहीं कर सकेगा और चूँकि आप सर्च यूज़ ही नहीं करेंगे एप्पल की आप गूगल की यूज़ करेंगे तो गूगल को लोकेशन का बड़ा फ़ायदा है कि वो आपको ट्रैक कर लेता है कि आप कहाँ पर हैं वो आपके अकाउंट से आपको ट्रैक करता है और उसी के अगेंस्ट आपको वो रिज़ल्ट रेलिवेंट दिखाता है तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बिरयानी वाली मिसाल दोबारा लें तो अगर आप पाकिस्तान में बैठ के बिरयानी सर्च कर रहे हैं तो बिरयानी की रेसिपी अगर जर्मनी में या किसी और मुल्क में डिफरेंट है तो वो आपको नहीं दिखाएगा आपको पाकिस्तानी बिरयानी की रेसिपी पहले दिखाएगा क्योंकि उसको लगता ये है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो अब मे बी आपको पाकिस्तानी रेसिपी ज़्यादा चाहिए या इसी तरह से अगर आप पाकिस्तानी बाजार में हैं आप किसी शहर के अंदर हैं तो आपको उस शहर के उस बाज़ार के रिज़ल्ट दिखाएगा ना कि वह आपको किसी और बाज़ार या किसी और शहर के रिज़ल्ट दिखाए तो ये ये सारी चीज़ें गूगल लोकेशन का जो डेटा है वो तो गूगल मैप से ट्रैक करता है और तो गूगल मैप्स सबसे ज़्यादा मशहूर प्रोडक्ट है मैप्स की बाकी सारी एप्पल के भी मैप्स हैं बिंग के भी मैप्स हैं लेकिन वो ना पाकिस्तान में लॉन्च हुए मतलब हर जगह पे लॉन्च नहीं है और ये है कि वो इस तरह से डेटा ट्रैक भी नहीं करते हैं तो so गूगल इस तरह से आपको मज़ीद डेटा बता सकता है कि आप कहाँ जाते हैं कहाँ से आते हैं और अगेन ये डेटा भी आपके वो इंजन में फिट करते हैं और आपको फिर रेलिवेंट रिजल्ट दिखाते हैं एक आखिरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो गूगल आपको हर तरीके से ट्रैक कर रहा है क्योंकि एंड्रॉड मोबाइल में जो आप ऐप्स लॉन्च करते हैं जो ऐप्स इंस्टॉल करते हैं गूगल प्ले स्टोर भी गूगल का है उसके अंदर भी क्रोम ब्राउज़र है उसके अंदर भी सर्च इंजन गूगल की एप्लीकेशन है गूगल के अपने ऐप्स uh, भी हैं सारी गूगल असिस्टेंट के नाम से और गूगल न्यूज़ जिस, जिस सारी चीज़ें गूगल के एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के अंदर गूगल आपको मसलसिल ट्रैक कर रहा है एंड्रॉयड अब तक का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है चूंकि ये फ्री है और ये आ, हर मोबाइल अपनी डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करके वो मोबाइल बेचते हैं तो जितनी भी मोबाइल कंपनियाँ मोबाइल बेच रही हैं सिवाए आईफोन के बाकी सारी कंपनियाँ एंड्रॉड मोस्ट ऑफ द कंपनियाँ एंड्रॉयड डालकर उसको अपने मोबाइल फ़ोन को बेच रही हैं तो एंड्रॉय चूँकि गूगल का है तो एंड्रॉयड के पास सारी अथॉरिटी है कि वो आपको ट्रैक करे आपकी हैबिट्स ट्रैक करे और यहाँ तक कि आपको सुन भी सकते हैं यहाँ तक कि आपको देख सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं आपको लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं जी के थ्रू ये सारी चीज़ें गूगल ट्रैक करता है और इसीलिए गूगल बेहतरीन सर्च इंजन है क्योंकि गूगल के पास इस क़र डेटा मौजूद है और सिर्फ एक डायमेंशन से नहीं सिर्फ गूगल को ये नहीं पता कि आप सर्च में क्या सर्च करते हैं गूगल को ये भी पता है कि आप घर में क्या सर्च करते हैं आप ऑफिस में क्या सर्च करते हैं और आप किस वक्त क्या सर्च करते हैं रात को आप गाने सुनते हैं सुबह आप अपने काम के लिए सर्च करते हैं ये सारा का सारा डेटा गूगल अपने इंजन में फीड करता है और यही एक बड़ी वजह है गूगल की कि वो अपने एल्गोजम बेहतर करने के साथ साथ वो आपके पैटर्न भी ट्रैक करता है और उसको लगता ये है कि अगर दस लोग एक काम कर रहे हैं तो मे बी उसको एज अ फीचर लॉन्च कर देना चाहिए और जैसे ही वो फीचर लॉन्च करता है लोगों को पसंद आ जाता है उसकी वजह यही है कि लोग पहले से ही उस प्रॉब्लम में थे और उस प्रॉब्लम का सलूशन गूगल ने उनको दिया तो यही वजह है कि गूगल अब तक का बेहतरीन सर्च इंजन है